Guys, channel, guys, आज वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट द राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क पता है, का क्या मतलब होता है? तो राउटर क्या करता है, आपके को करने का काम करता है जिससे कि आपका डेटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए तो कौन सा पाथ एप्रोप्रिएट रहेगा आपके डेटा पैकेट के लिए यानी कि बेस्ट रूट सेलेक्ट करने का काम कौन करता है राउटर करता है दैट इज वॉट राउटिंग इज कई चीज लिखिए यहाँ पे राउटिंग रेफर्स टू द वे राउटिंग टेबल्स आर क्रिएटेड टू हेल्प इन फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग का मतलब है कि डेटा पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए पाथ सेलेक्ट करना और यहाँ पे एक राउटिंग टेबल भी क्रिएट की जाती है हर एक राउटर के लिए राउटिंग आपकी डायनामिक भी हो सकती है और स्टैटिक भी हो सकती है तो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल फर्स्ट इज डोमेन एंड सेकंड इज इंटर डोमेन डोमेन का मतलब है कि सेम ऑटोनॉमस सिस्टम अब सेम ऑटोनॉमस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका सिस्टम है तो यहाँ पे नेटवर्क है आपका कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है इसमें तो वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर है तो ये हुआ सेम ऑटोनॉमस सिस्टम का मतलब इंटर डोमेन का मतलब क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम नेटवर्क जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम से बिलोंग करता है जब हम इसकी राउटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमने चार ऑटोनॉमस सिस्टम को कंसिडर किया हुआ है तो इंट्रा डोमेन मीन्स सेम ऑटोनॉमस सिस्टम और इंटर डोमेन मीन्स डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम और ऑटोनॉमस सिस्टम का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क जो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर हो उनको बोलते हैं हम सेम ऑटोनॉमस सिस्टम अब यहाँ पे इंट्रा डोमेन के दो प्रोटोकॉल्स हैं दैट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेट एंड इंटर डोमेन के लिए पाथ वेक्टर राउटिंग है अब यहाँ पे डिस्टेंट वेक्टर के लिए आर आई पी यूज होता है प्रोटोकॉल दैट इज राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल लिंक स्टेट के लिए ओ एस पी एफ यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एंड पाथ वेक्टर के लिए बी जी पी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल तो ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं प्रीवियस ईयर में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि डायरेक्टली आपसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था और ये पूछा था यूनिकास्ट राउटिंग क्या होता है यूनिकास्ट राउटिंग के प्रोटोकॉल्स यानी कि आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना था सारे प्रोटोकॉल्स को सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था एंड फर्स्ट में आपसे सिर्फ डिस्टेंस वैक्टर पूछा है अब हम एक एक करके देखते हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के लिए तो सपोज ये एग्जाम्पल है आपका जिसमें आपके पास फाइव नोट्स हैं कौन कौन से ए बी सी डी एंड ई और ये दिया हुआ है कि आपस में कनेक्टेड है और इनके ये फाइव टू थ्री फोर फोर एंड थ्री इनके डिस्टेंसेस दिए हुए हैं कॉस्ट गिवन है काइंड ऑफ kind of. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे एक टेबल बना लेंगे कि अगर हम ए के लिए टेबल बनाते हैं सपोज ये वाली टेबल तो मैंने यहाँ पे लिखा टू यहाँ पे लिखा कॉस्ट एंड यहाँ पे लिखा नेक्स्ट यानी कि ए की ए से डिस्टेंस कितनी होगी जीरो ए की बी से डिस्टेंस कितनी गिवन है यहाँ पे फाइव ए को सी तक पहुंचना है तो कितनी कॉस्ट लगेगी टू ए को डी तक पहुंचना है तो कितनी कॉस्ट लगेगी थ्री और ई e तक ये नहीं पहुंच सकता तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अभी इनफाइनाइट इनिशियली और नेक्स्ट का मतलब है कि जैसे ए को ए तक पहुंचना है तो नेक्स्ट ए खुद ही हुआ तो यहाँ पे ए आ जाएगा ए को बी तक पहुंचना है तो फाइव कॉस्ट में वो कहा पहुंच पा रहा है बी तक पहुंच पा रहा है सिमिलरली यहाँ पे सी यहाँ पे डी एंड यहाँ पे वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से हम सारे टेबल्स को फिल कर लेंगे अब बी के लिए अगर हम देखें तो बी को ए तक पहुंचना है तो कितनी डिस्टेंस लगेगी कितना कॉस्ट लगेगा फाइव और नेक्स्ट किस पे पहुंचा है ये ए पर पहुंचा है बी को बी पर ही पहुंचना है तो जीरो कॉस्ट बी को सी पर जाना है तो फोर कॉस्ट बी को डी पर जाना है नहीं जा सकता डी पर कोई डायरेक्ट पात नहीं है अभी तो इन्फिनिटी और बी को ई e तक जाना है तो यहाँ पे थ्री कॉस्ट लगेगी सिमिलरली हम बाकी राउटिंग टेबल्स भी यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे तो सी के लिए ये और डी के लिए वाली राउटिंग टेबल हो जाएगी तो जब हम सारे टेबल्स को फिल कर लेंगे यानी कि इनिशियल कॉस्ट क्या जा रही है डायरेक्ट राउटर्स की वो हमने सब फिल कर लिया अब हम क्या करेंगे जैसे कि हम एक ही अगर टेबल देखें तो एक ही टेबल ये वाली टेबल है तो इसमें हम ई तक नहीं पहुंच सकते ई का जो कॉस्ट है दैट इज हैिटी डायरेक्टली ई तक नहीं पहुंच पा रहा है तो अब हम क्या करेंगे अपडेट करेंगे इन टेबल्स को यानी कि हम ये देखेंगे की ए के जो नेबर्स है कौन कौन है, है नेवर? नेवर ए के नेबर नेबर मीन्स ए जिनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है बी सी एंड डी तो यहाँ पे लिखा है बी सी एंड डी क्या है नेबर्स है किसके ए के नेबर्स है क्या इनके थ्रू ई तक पहुंचा जा सकता है अब वो देखते हैं हम तो ए की डिस्टेंस इनिशियली क्या थी जीरो बी तक ये पहुंच ही रहा था फाइव कॉस्ट में सी तक भी पहुंच रहा था डी तक भी पहुंच रहा था ई e तक देते ई e तक पहुंच पा रहा है ये तो ई e तक अगर हम देखें तो यहाँ पे बी के थ्रू भी जा सकता है और सी के थ्रू भी जा सकता है तो दो हमारे पास पाथ है क्योंकि ए के दो ने तीन नेबर्स हैं बी सी एंड डी डी तक तो डी के होकर तो ई तक नहीं जा सकता सी या बी को यूज करके ई तक जा सकता है अब उसमें से हम चेक करेंगे मिनिमम कॉस्ट किसमें लग रही है तो अगर ये बी के थ्रू जाता है ऐसे ए टू बी एंड देन बी टू तो कितनी कॉस्ट लग रही है फाइव एंड थ्री दैट इज एट लेकिन अगर सी के थ्रू जाता है तो ए टू सी देन सी टू ई कितनी कॉस्ट लग रही है टू प्लस फोर दट इज सिक्स तो यहाँ पे सिक्स सी के थ्रू ये जाएगा तो नेक्स्ट पॉइंटर हम कहेंगे कि सी के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू सी हो जाएगी और बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी इसी तरीके से हम अगर डी की वैल्यू डी की टेबल को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे बी सी एंड ई यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं डी से डायरेक्टली डी का नेबर कौन है ए तो यहां पर ए तक तो ये पहुंच ही रहा है थ्री कॉस्ट में तो क्या ए को यूज करके बाकी राउटर्स पर पहुंच सकता है ई yes, पर, पर, so पर, तो e पर अगर पहुंचना है तो ई e पर ए के थ्रू तो डायरेक्टली नहीं जा सकता लेकिन किसी और के थ्रू जा सकता है ये तो हमने चेक किया कि बी के थ्रू भी जा सकता है और ई e के थ्रू भी जा सकता है किस तरीके से डी टू ए टू सी टू या फिर ये पाथ फॉलो कर सकता है डी टू ए टू बी टू तो अब इन दोनों में से देखेंगे किसकी कॉस्ट कम है तो अगर बी वाला पाथ फॉलो करता है तो उसकी कॉस्ट लग जाएगी थ्री प्लस फाइव प्लस एट थ्री तो इलेवन लग जाएगी यहाँ पे और अगर सी वाले पाथ के थ्रू जाएगा तो यहाँ पे नाइन कॉस्ट लगेगी तो ये सी वाले पाथ के थ्रू जाएगा और यहाँ पे नाइन कॉस्ट लगेगी तो पहले ए पर जाएगा उसके बाद सी पर जाएगा देन ये पर पहुंच जाएगा डायरेक्टली फाइन और बाकी सारे वैल्यूज अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट के लिए तो ए हो जाएगा यहाँ पे फाइव है तो डी टू बी जा रहा है किसके थ्रू ए के थ्रू तो नेक्स्ट तो ए ही होगा यहाँ पे सी पे जा रहा है तो वो भी ए के थ्रू जा रहा है तो डी से नेक्स्ट ए ही हुआ यहाँ पे डी टू डी तो डी ही है खुद और डी टू ई भी जब वो जा रहा है तो नेक्स्ट ए के थ्रू जा रहा है देन सी देन ई e, तो नेक्स्ट अब भी कौन है डी के ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंटर्स लिख देंगे हम नेक्स्ट जो भी नोट्स हैं सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बी की टेबल को अपडेट करेंगे तो यहाँ पर बी जो है वो ए सी और ई e तक तो डायरेक्टली ही पहुंच रहा है तो ए सी एंड ई इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं और खुद पर पहुंचने के लिए जीरो ही लगेगा डिस्टेंस क्योंकि वो वहीं पे है और अगर डी पर चेक करें तो इसके नेबर्स कौन कौन है ए सी एंड ई तो क्या इनको यूज करके डी पर पहुंच सकता है Yes पहुंच सकता है ए को यूज करके डी पर आराम से पहुंच सकता है और कितने कॉस्ट में एट कॉस्ट में तो यहाँ पे एट आ जाएगा और नेक्स्ट कौन है इसके डी टू ए गया फिर ए टू डी गया तो नेक्स्ट कौन आ जाएगा ए और बाकी सब सेम रहेंगे वैल्यूज इसी तरीके से अगर हम ई e की टेबल को अपडेट करेंगे यहां पर तो ई e के नेबर्स कौन कौन है सी और बी और इनिशियली वो कहां, कहां पर जा पा रहा है सी और बी पर डायरेक्टली पहुंच जाएगा तो बी पर जाने के लिए थ्री कॉस्ट थी सी पर जाने के लिए फोर कॉस्ट थी और खुद पर जाने के लिए जीरो कॉस्ट लगेगी अब इन दोनों को यूज करके बी एंड सी यानी कि जो नेबर्स है उनको यूज करके क्या वो पहुंच सकता है बाकी ए एंड डी पर भी तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ई टू बी बी टू यस जा सकता है वो इ टू सी एंड सी टू ए भी जा सकता है अब देखेंगे किसमें मिनिमम कॉस्ट है तो अगर ई टू सी एंड सी टू ए जाता है वो ए तक पहुंचने के दो रास्ते हैं या तो बी के थ्रू या सी के थ्रू तो सी में कम कॉस्ट लग रही है तो वहां पे यहाँ पे सिक्स आ जाएगा और नेक्स्ट किसके थ्रू गया है? वो C के थ्रू डी पर अगर हम चेक करें तो ई टू सी सी टू ए और ए टू डी पहुंच सकता है या फिर बी के थ्रू भी जा सकता है और ए के थ्रू अगर जाएगा तो कम कॉस्ट लगेगी तो यहाँ पे नाइन आ जाएगा फाइन और नेक्स्ट कौन है किसके थ्रू गया है सी के थ्रू गया है तो इस तरीके से ये वाली टेबल बन जाएगी अगर हमें सी के लिए टेबल अपडेट करनी हो तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे मैं लड़ी जैसे हमने ऊपर वाली वैल्यूज लिखी है तो हमारे पास ये वाली टेबल आ जाएगी जब हम सी को भी अपडेट करेंगे यानी कि हमने सबसे पहले क्या करा कि इनकी कॉस्ट देखी सबसे पहले हमने ये देखा कि डायरेक्टली वो कहाँ पर पहुंच रहे थे तो हमने ये वाली टेबल बनाई टेबल नंबर वन टू थ्री फोर एन फाइव सबसे पहले ये टेबल्स हमने बनाई फिर इन्हें अपडेट किया अपडेट करने का क्या मतलब है कि जब वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे तो क्या अपने नेबर्स को यूज करके पहुंच सकते हैं और वो भी उनको लेंगे जहां पर कॉस्ट मिनिमम लग रही हो तो फिर हमने उन टेबल्स को अपडेट किया तो ये टू स्टेप्स में होगा क्वेश्चन तो ये था आपका डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग सेकेंड एक चीज और की यहाँ पर आर आई पी प्रोटोकॉल का यूज होता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो कि इंट्रा डोमेन इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल यानी कि सेम ऑटोनोमस सिस्टम से बिलोंग करेगा आपका नेटवर्क जो है इसका एक डिसेज होता है काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम ये आपसे टू मार्क्स में पूछा भी है प्रीवियस ईयर में कि काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम क्या होता है और टेन मार्क्स में मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि पूरा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पूछा हुआ था एक्सप्लेन करने के लिए विद एक्साम्पल तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या होती है बस इस थोड़ा ऊपर ऊपर से इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब राउटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो नेटवर्क से बिकॉज ऑफ सम सम प्रॉब्लम यू नो नॉइज और एटेनवेशन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जब वो नेटवर्क से उनका लिंक खत्म हो जाता है या सपोज वो इस तरीके से कनेक्टेड है और ये लिंक ब्रेक हो गया किसी वजह से और इस तरीके से वो आपस में कनेक्टेड है और ये लिंक ब्रेक हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि लूप में फंस जाते हैं यानी कि इसने इसको भेजा डेटा पैकेट फिर इसने इसको भेजा डेटा पैकेट तो इस तरीके से कुछ वो लूप में फंस जाते हैं एंड देन उसकी वजह से काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आती है मैं बहुत डिटेल में नहीं गई हूँ बस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या होता है बट इफ यू गाइज बॉन्ट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट इज इट सो आई मेक द सेपरेट वीडियो फॉर दैट अब यहाँ पे सेकेंड प्रोटोकॉल आता है दैट इज लिंक स्टेट राउटिंग और ये डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम पर आपका बेस्ड है इसमें ओ एस पी एफ प्रोटोकॉल यानी कि ओपन सोर्स पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल यूज होता है और ये भी इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है और डोमेन क्या है ऑटोनॉमस सिस्टम इट्स डोमेन इज ऑल्सो एन ऑटोनोमस सिस्टम सो इंट्रा डोमेन में दो प्रोटोकॉल्स है कौन कौन से डिस्टेंस वेक्टर अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है तो इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे सपोज मैंने ए को रूट माना तो सपोज ए इज योर रूट तो इनिशियली ए की डिस्टेंस क्या होगी जीरो यहां पर मैंने A को रूट कंसिडर किया अब आप ये देखो कि ए किस किस से कनेक्टेड है डायरेक्टली डी से कनेक्टेड है सी से कनेक्टेड है और d से कनेक्टेड है डायरेक्टली तो a टू b कितनी कॉस्ट लग रही है 5 a टू c कितनी कॉस्ट लग रही है 2 a टू d कितनी कॉस्ट लग रही है 3 अब आप ये देखो इन तीनों कॉस्ट में से मिनिमम कॉस्ट किसकी है c के मिनिमम कॉस्ट है तो c को कलर कर दो अब सी को मैंने कलर कर दिया अब चेक करो c से कौन-कौन कनेक्टेड है तो c से b एंड e कनेक्टेड है अब b ऑलरेडी आ चुका है a से कनेक्ट होके तो अगर मान लो कि सी को मैं बी से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो वो कितनी कॉस्ट में कनेक्ट होगा टू तो ऑलरेडी इसकी कॉस्ट है और बी तक जाने के लिए फोर कॉस्ट और लगेगी सो टू प्लस फोर कितना हो गया सिक्स मतलब ए टू सी की कॉस्ट तो टू हैस्ट तो ही चल चुका है और सी टू बी जाने के लिए फोर कॉस्ट और लग जाएगी तो टू प्लस फोर कितना हो गया सिक्स और ऑलरेडी इसकी कॉस्ट कितनी है फाइव तो मिनिमम कॉस्ट क्या हुई फाइव हुई तो मैं सी को बी से कनेक्ट नहीं करूंगी इसलिए मैंने सी को सिर्फ ई e से कनेक्ट किया यानी कि हम हमेशा मिनिमम कॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पे ई e की कॉस्ट कितनी आ जाएगी टू तो ऑलरेडी है ही कॉस्ट और फोर यहाँ पे सी टू की कॉस्ट है तो टू प्लस फोर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आप चेक करो इनमें मिनिमम कौन है इनमें मिनिमम अगर हम देखें तो सी है सॉरी डी है जिसकी कॉस्ट थ्री है उसके बाद मिनिमम बी है और उसके बाद ई e है तो यहाँ पर सारे नोट्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं विद देयर मिनिमम कॉस्ट तो अगर ए की टेबल बनाए हम यहाँ पे अगर ए को रूट माना है और किस किस पर पहुंचना है सभी पर पहुंचना है विद मिनिमम कॉस्ट तो ए खुद जीरो कॉस्ट में जाएगा बी पर कितनी कॉस्ट में जा रहा है फाइव सी पर टू कॉस्ट लग रही है डी पर पहुंचने के लिए थ्री कॉस्ट लग रही है और ई e पर पहुंचने के लिए सिक्स कॉस्ट लग रही है इसी तरीके से हम हर एक नोड के लिए बनाएंगे सपोज करते हैं कि बी को एज अ रूट नोड लेते हैं तो यहां पर बी जो है आपका रूट नोड है अब बी किस किस से कनेक्टेड आप चेक करो बी ए से कनेक्टेड है बी सी से कनेक्टेड e है और बी ई से कनेक्टेड है डायरेक्टली तो इनिशियली इसकी कॉस्ट जीरो होगी और ये इन तीनों से कनेक्टेड है इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी बी टू e की कॉस्ट लग रही है थ्री बी टू सी की कॉस्ट लग रही है फोर बी टू ए की कॉस्ट लग रही है जाने की फाइव कौन है इनमें से मिनिमम मिनिमम है ई e. E को कलर कर दो तो. अब ई e से देखो कौन कौन कनेक्टेड है ई e से सी कनेक्टेड है ओनली अब सी की ऑलरेडी कॉस्ट फोर है अगर मैं ई e को सी से कनेक्ट कर देती हूँ तो कॉस्ट लगेगी सेवन क्योंकि थ्री ऑलरेडी ई की कॉस्ट है और सी तक जाने के लिए फोर कॉस्ट और लग रही है दैट मीन सेवन कॉस्ट लगेगी लेकिन जो उसकी पहले वाली कॉस्ट है 4 है वो मिनिमम है तो मैं ई e को सी से कनेक्ट नहीं करूंगी अब फिर से चेक करते हैं कौन है मिनिमम इनमें मिनिमम है सी तो मैंने देखा सी को मैंने कलर कलर कर दिया अब सी को देखा किस किस से कनेक्टेड है बी से और ए से अब ए की ऑलरेडी कॉस्ट कितनी है फाइव अगर मैं सी और ए को कनेक्ट करूंगी तो कितनी कॉस्ट और लग जाएगी फोर इसकी ऑलरेडी है सी की कॉस्ट और टू जाने में लग जाएगी यानी कि सिक्स अब सिक्स ज्यादा है फाइव से तो उसको फाइव ही रहने दो फिर चेक करो कौन है मिनिमम मिनिमम रह गया कनेक्टेड किस -किस है बी और डी से अब मैं डी को कनेक्ट कर दूंगी यहाँ पे और डी की कॉस्ट कितनी लगेगी जाने में एट क्योंकि फाइव ऑलरेडी थी फाइव प्लस थ्री एट और यही बचाया अब तो ये यहाँ पे मैंने कलर कर दिया अब मैं इसकी टेबल फिर से बनाती हूँ बी की तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई बी को ए पे जाने में कितनी कॉस्ट लग रही है फाइव खुद पर जीरो ही है सी पर जाने में फोर कॉस्ट लग रही है डी पर जाने में एट कॉस्ट लग रही है और ई e पर जाने में थ्री कॉस्ट लग रही है इसी तरीके से आप सी को रूट मानो और देखो सी से कौन कौन कनेक्टेड है तो सी से बी ए एंड ई ये तीनों कनेक्टेड है फिर इनकी कॉस्ट चेक करो C टू B जाने में कितनी कॉस्ट लग रही है फोर C टू A जाने में टू कॉस्ट लग रही है C टू E जाने में कॉस्ट लग रही है फोर कौन है इनमें से मिनिमम मिनिमम है A अब देखो ए किस किस से कनेक्टेड है ए बी से कनेक्टेड है और ए डी से कनेक्टेड है तो बी से ऑलरेडी फोर कॉस्ट में सी कनेक्ट कर चुका है अब अगर ए कनेक्ट करता है तो टू ऑलरेडी कॉस्ट है और ए टू बी की कॉस्ट फाइव है तो टू प्लस फाइव कितनी हुई सेवन लेकिन ऑलरेडी वो फोर है कॉस्ट बी से कनेक्ट करने के लिए तो मैं सेवन को नहीं लूंगी और ए किससे कनेक्टेड है डी से तो मैंने डी को देखा कॉस्ट कितनी है थ्री और टू ऑलरेडी थी टू प्लस थ्री कितना हो गया फाइव अब देखो इनमें से मिनिमम कौन है दो है इनमें से मिनिमम तो मैंने इसको ले लिया और इसको भी ले लिया अब देखो बी और ई e से है कनेक्टेड अगर आप इनके कनेक्शन बनाओगे ए से या ई e से तो उसकी कॉस्ट ज्यादा ही आएगी ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी को डी ही रह जाएगा बस एंड में तो आपका जो राउटिंग टेबल है वो इस तरीके से बन जाएगा ए बी सी डी ई तो ए यहां पे सी रूट था तो खुद पर जाने के लिए जीरो है कॉस्ट ए पर जाने के लिए टू बी पर जाने के लिए फोर डी पर जाने के लिए फाइव ई e पर जाने के लिए फोर तो इस तरीके से हमने सी के लिए देखा अगर हम डी और ई e के लिए भी एक बार देख लेते हैं तो अगर आप डी और ई e के लिए भी देखोगे तो इस तरीके से आ जाएंगे आपकी राउटिंग टेबल्स तो इस तरीके से आपका है लिंक स्टेट राउटिंग नेक्स्ट पाथ वेक्टर राउटिंग अब ऊपर जो हमने देखा डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट वो क्या थे इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे जो सेम ऑटोनॉमस सिस्टम से बिलोंग करते थे यहाँ पर पाथ वैक्टर राउटिंग जो है वो इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम्स पर से बिलोंग करेगी यानी कि आपके अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम होंगे उसके लिए होता है आपका पाथ वेक्टर राउटिंग इसमें बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है अब जैसे ये एग्जांपल है तो इस एग्जांपल में आपके पास चार ऑटोनॉमस सिस्टम है मैं इनको लेबल कर देती हूँ ए एस वन दैट मीन्स ऑटोनॉमस सिस्टम वन ए एस टू ऑटोनॉमस सिस्टम टू ए एस थ्री ऑटोनॉमस सिस्टम थ्री एंड ए एस फोर दैट इज ऑटोनॉमस सिस्टम फोर तो ये हमने चार सिस्टम है हमारे तो अगर डेस्टिनेशन अगर आप ए एस वन के लिए देखो तो मैंने यहाँ पे टेबल लिख रखी है डेस्टिनेशन और पाथ लिखा है ए वन से ए फाइव तक अगर आपको जाना है तो कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा ए एस वन वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा यानी कि ऑटोनॉमस सिस्टम वन में आपको आना पड़ेगा तो यहाँ पे सारे में क्या आ जाएगा ए एस वन सिमिलरली आप इनिशियल टेबल अगर बी के लिए देखो तो यहाँ पे है डेस्टिनेशन और यहाँ पे है पाथ तो बी के जितने भी नोट्स हैं बी वन बी टू बी थ्री बी फोर इनको एक्सेस करने के लिए आपको कौन से सिस्टम में जाना पड़ेगा ऑटोनॉमस सिस्टम सेकेंड में जाना पड़ेगा तो सब में ए एस टू आ जाएगा पाथ इसी तरीके से अगर आप थर्ड के लिए देखो ऑटोनॉमस सिस्टम थ्री के लिए देखो तो यहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री नोट्स हैं तो ये इनके डेस्टिनेशन है और आपका जो पाथ होगा यहां तक पहुंचने के लिए किस में आना पड़ेगा आपको ऑटोनॉमस सिस्टम थ्री में एंटर करना पड़ेगा इन सारे नोट्स को एक्सेस करने के लिए सिमिलरली विद डी यहाँ पे आपको ऑटोनॉमस सिस्टम फोर में आना पड़ेगा डी वन डी टू डी थ्री डी फोर को एक्सेस करने के लिए तो ये इनिशियल टेबल हुई अब मान लो आपको ए वन टू ए फाइव आपके नोट्स हैं और फिर आपके बी वन टू बी फोर नोट्स हैं तो अगर आपको ऑटोनॉमस सिस्टम वन से ऑटोनॉमस सिस्टम टू तक जाना है थ्री तक जाना है फोर तक जाना है इस तरीके से आपको जाना है और आप इनिशियली हो वन पे ठीक है यहाँ पे ए वन है तो आप ए वन से ए फाइव पे हो यानी कि आपको आप यहाँ पर खड़े हो और आपको सब जगह पर सब जगह जाना है ए एस टू पे भी ए एस थ्री पे भी ए एस फोर पे भी तो आप किस तरीके से जाओगे वो हम अब यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन लिखी हुई है इस वाले यहाँ पे इस कॉलम में और अब इनको फिल करेंगे पाथ फॉर ए वन यानी कि आप ए वन पे खड़े हो और आपको इन सब पे रीच आउट करना है तो आप ए वन पे खड़े हो और आपको ए वन टू ए फाइव जाना है तो उसके लिए कौन सा पाथ फॉलो होगा अगर हम यहाँ पे देखें तो आप ऑलरेडी ए वन पे हो तो ए एस वन पर ही रहो और उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो किनको ए वन टू ए फाइव आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि आप ए वन पर ही हो अब आप ए, ए, ए आट, वन पे ऑटोनॉमस सिस्टम वन यानी कि ए वन आपका नोड है और आपको बी वन से बी फोर के जो नोट्स है उनको एक्सेस करना है तो आपको ऑटोनॉमस सिस्टम सेकंड में जाना पड़ेगा तो आप ऑटोनॉमस सिस्टम वन से ऑटोनॉमस सिस्टम टू तक जाओगे तभी आप बी वाले जो भी नोट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो इसी तरीके से सी वन टू सी थ्री है उनको एक्सेस करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा ऑटोनॉमस सिस्टम वन से ऑटोनॉमस सिस्टम थर्ड पे जाना पड़ेगा डी को एक्सेस करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा डी को एक्सेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑटोनॉमस सिस्टम वन से लेकर थ्री तक एंड देन थ्री टू आप फोर तक जा सकते हो या आप दूसरा पाद भी सेलेक्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू थ्री आप टू से भी जा सकते हो देन थ्री पे चले जाओ एंड देन डी पे चले जाओ एक्चुअली यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है सी एंड डी इस तरीके से तो आप ए एस वन पे हो और आपको डी पे जाना है तो आप कैसे जा सकते हो एटोनॉमस सिस्टम वन से ऑटोनॉमस पर जाओ, सिस्टम फोर पे जाओ तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो तो ये बन जाएगी पाथ फॉर ए अगर आप ए पे खड़े हो तो बाकियों को किस तरीके से एक्सेस करोगे सिमिलरली अगर आप डी वन पे हो यहाँ पे ऑटोनॉमस सिस्टम सेकेंड पर हो तो बाकी सबको एक्सेस करने के लिए एक्सेस करना है तो आप कैसे कैसे जा सकते हो तो ए अगर आपको ए वन पे जाना है तो आप ऑटोनॉमस सिस्टम सेकेंड से ऑटोनॉमस सिस्टम वन पे जाओगे सी वन पे जाना है तो सेकेंड से थर्ड पे चले जाओ अगर आपको डी पे जाना है तो आप ऑटोनॉमस सिस्टम सेकेंड पे हो तो सबसे पहले थर्ड पे चले जाओ उसके बाद फोर्थ पे चले जाओ ओके थर्ड पे जाना है सॉरी और अगर फोर्थ पे जाना है उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो सेकेंड पे जाओ देन थर्ड पे जाओ एंड देन फोर्थ पे जाओ तो इस तरीके से हम पाथ फॉर सी भी बना लेंगे और डी वन भी बना लेंगे और डी वन पे खड़े हो तो बाकी सबको एक्सेस करोगे तो सीवन एन डी वन से भी तो इस तरीके से होता है आपका पाथ वैक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपका टेन मार्क्स में आया हुआ था प्रीवियस ईयर में तो यहाँ पे आपसे इन सब कमांड्स का मतलब पूछा था यानी कि अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ये सारे कमांड्स लिखते हो तो वो किस तरीके से आपको आउटपुट देते हैं इन सारे कमांड्स का क्या यूज होता है वो सब पूछा था तो फर्स्ट कमांड है आपका आईपी कॉन्फ़िग सो आईपी कॉन्फिग यानी कि आईपी कॉन्फिग्रेशन नेम से पता चल रहा है कि यानी कि जो आईपी के कॉन्फिग्रेशन होते हैं जैसे एड्रेस क्या है सबनेट मास्क क्या है डिफॉल्ट गेटवे क्या है ये सारे इन्फॉर्मेशन आईपी कॉन्फिग देने का काम करता है ये तीन तरीके से आप लिख सकते हो आईपी आईपी कॉन्फिग ऑल अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी नेटवर्क इंटरफेस की और यहाँ पे फिजिकल एड्रेसेस भी आ जाएंगे आपके नेक्स्ट है आईपी कॉन्फिग रिलीज यहाँ पे करंट आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देगा ये एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द रीअसाइनमेंट उसके बाद रीन्यू अगर आपको न्यू आई पी एड्रेस चाहिए फ्रॉम द डीएचसीपी सर्वरी हमने पढ़ा था डीएचसीपी की हेल्प से आईपी एलोकेट हो जाते हैं डायनामिकली भी तो उसके लिए ये कमांड यूज होगी सेकेंड आपसे पूछा था नेटस्टेट तो यहाँ पर आपके नेटवर्क के कनेक्शन के बारे में राउटिंग टेबल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ए का मतलब है सारे एक्टिव कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन देगा आर का मतलब है राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन देगा और एन का मतलब है कि जितने भी आपके नेटवर्क कनेक्शन है उनके आई एड्रेस है और उनके पोर्ट नंबर ये दोनों डिस्प्ले कर देगा तो ये पूछा आपसे पिंग कमांड अगर हम देखें तो होता क्या है जैसे ये स्विच है इस स्विच से आपने टेन कंप्यूटर्स को सपोज इस तरीके से कनेक्ट कर दिया तो अगर आप इस सिस्टम पे बैठे हो और अगर आप इनमें से किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस पिंग करते हो आप लिखते हो पिंग कमांड और उसके आगे, आगे आपने आईपी एड्रेस लिखा किसी भी सिस्टम का और अगर वहां से रिप्लाई आ जाता है इसका मतलब है कि आपका सिस्टम कनेक्टेड है बाकी सिस्टम भी कनेक्टेड है विद दिस स्विच एक्टिव कनेक्शन है अगर रिप्लाई आ रहा है तो और अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है यानी कि कनेक्शन एक्टिव नहीं है तो इसी तरीके से कमांड है आप पिंग पिंग लिखते हो और उसके आगे कोई भी आईपी एड्रेस लिखोगे तो रिप्लाई के फॉर्म में

तो अगर आप लिख, लिखते हो ट्रेस रूट और यहाँ पे अपने कोई भी आईपी एड्रेस लिखा या होस्ट का नेम लिखा तो ये क्या करेगा कि आपका ये डेटा पैकेट है और इस डेटा पैकेट ने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बीच में किन किन नोट का यूज किया जो इंटरमीडिएट नोट थे उन सबके भी इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले कर देगा विद द होस्ट नेम एंड आईपी तो ये पांच कमांड्स आपसे प्रीवियस ईयर में टेन मार्क्स में पूछ हुई थे गाइस आई होप आपको सारे राउटिंग प्रोटोकॉल समझ आए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में